एटा में दबंगों का कहर। एटा में दबंगों ने घर में घुसकर अनुसूचित जाति की तीन महिलाओं और बच्चियों पर बोला हमला। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट और छेड़छाड़ और किया पथराव। अनुसूचित जाति की एक युवती सहित तीन महिलाएं हुई घायल। किसी ग्रामीण ने पथराव और मारपीट का वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस को आरोपियों की तलाश जारी। दबंगों ने अनुसूचित जाति की पीड़िता सीमा देवी के घर के सामने जबरन बांध दी थी भैंसे। पीड़िता के मना करने पर घर में बोला हमला, छेड़छाड़ कर की जमकर मारपीट। पीड़ित महिला और युवतियों ने दबंग आरोपी अव्वल सिंह, महेश भूरे, बंटू और रणवीर सहित पांच आरोपियों पर छेड़छाड़ और मारपीट के लगाए गंभीर आरोप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में कराया एडमिट। एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के सराव गांव का मामला। एटा से हर्ष द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या वजह है, क्या हुआ है आपके साथ? सर घर में घुस के ईंटें मारी अब्बल ने, महेश ने, बंटू ने और नरवीर ने और बूरा ने, दिन ने आराम सिंह संग मार रही थी। क्या वजह? सर मैं हमारे बार पकड़ लिए, वजह कुछ नहीं थी, भैंस के पीछे मारा हमें। क्यों? भैंस रास्ता में बंधी थी, ने एक डंडिया मार दी भाई करे गेट पर। हमारे गेट से ही नेक हटके नेक बनी थी सर, मेरे सामने ही गोबर कर रही और पेशाब, तो नेक डंडिया मार दी इसी बात पे। वे लोग हमारे घर में टूट पड़े मारने के लिए। तो घर में घुस करके मारा है? हाँ घर में घुस के मारा सर, मेरे बार पकड़ लिए तीनों लड़कियों को, दोनों लड़कियों को बार पकड़े, मेरे भी पकड़े और बाहर खे पकड़ के खींच ले गए और सर सबने भी मारा हमें मिल के। चोटें आई हैं सर, देखो मेरे आँख में चोट है और मेरी बेटी के देखो कान में चोट है और इसके गाल पे चोट है सर, का नाम भूसा मारे और मेरी मैक्सी एक्सी सब फाड़ दी है, देखो नाखून देखो सब लगे हैं। कौन कौन थे? महेश अब्बल दोनों थे और भूरा नरवीर और बंटू, जे इतने जने थे सर सब। तो दबंगे हैं गुंडे? हाँ गुंडे हैं सर, बहुत बड़े गुंडे हैं जो सर बहुत चूकते नहीं है किसी पे, सिर्फ भैंसन के पीछे मारा है सर। हम क्या करें, हम तीन ही जने घर पे थे, हमारे घर तैरी दे दी आपने? तैरी दे दी है? हाँ सर, पुलिस पहुंच गई थी मौका पे? हाँ मौका पे नहीं सर, वे आ गए हम पीछे थे, तुरंत पुलिस पहुंच गई थी। अबे पुलिस नहीं पहुंच। क्या नाम है आपका? पायल। पायल क्या वजह है, क्या झगड़ा कैसे हुआ? ये हुआ है सर भैंसों के पीछे, ये इस चीज पे के मतलब हमें निकलने बैठने पे मजबूर है, हम गेट पर बंद बैठने नहीं देते हमें, गेट पर बंद ही है। हाँ गेट से नहीं थोड़ा हटके हैं, बिल्कुल गेट के सामने थोड़ी देर बाद में आ जाते हैं। जैसे हम अगर हम निकलने वाले होते ना तो भैंस टॉयलेट वगैरह कर देती है तो छींटे छांटे आती है, खाना वगैरह ले जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे खाना अच्छा लगता है। क्यों मारपीट क्यों की? मारपीट यूँ करी है कि मतलब हमने थोड़ा भैंस को मार दिया था तो वो घर में घुस के हमें भीतर बाल पकड़ के लेके गए और हमें सबको मारा, हमारे कपड़े अपड़े सब वैसे कर दिए, मतलब छेड़छाड़ करने की पूरी गाली कर दी, गाली दी, गंदी गंदी गाली थी। कितने लोग? कितने लोग? पाँच छह लोग थे। कौन कौन था? भूरे थे, आरएम सिंह थे और बंटू थे और नरवीर थे और हमारे सब्बल थे, ये सब थे। मार्केट छोटा भी आई है आप लोगों को? हाँ छोटे आई हैं सर, ये देखो। और किसको आई है? मेरी बहन को है, मम्मी को है, सबको है। क्या मांग करती हैं ऐसे लोगों के? क्या मांग करती हैं? सजा होनी चाहिए सर, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए हमारे हमारे संग जो हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? किस मारपीट करिए, गाली गलौज करिए, हमारे साथ छेड़छाड़ करिए। किसने किया? अब्बल महेश और बूरा है, नरवीर है और बंटू है और आराम सिंह है, चार पाँच बंदे हैं। घर के भीतर घुस करके पीटा है? घर से भीतर घुस के पीटा है। कितने लोग थे? ये पांच छह लोग हैं करीब। क्या वजह क्या थी मारपीट की? झगड़ी भैंस के पीछे, गोबर कूड़ा करती है भैंस हमारे दरवाजे के सामने। आपके दरवाजे बांधे थे? हाँ। क्या दबंगे हैं के? ये गुंडे हैं सर, ये ऐसे ही करते हैं। सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंच गई थी? हाँ पहुंचा दी थी, पुलिस भी आई थी। क्या तहरीर दे दी आपने? हाँ तहरीर दे दी थी।